मंडल ने थाने में धरना दिया है। एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए दरोगा को लाइन हाजिर किया है और रुद्रपुर कोतवाली की आदर्श कॉलोनी का पूरा मामला है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, दरोगा का युवक से गुंडई करते वीडियो वायरल हुआ है और दरोगा ने युवक के साथ मारपीट की है। व्यापार मंडल ने थाने में धरना दिया है। एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए दरोगा को लाइन हाजिर किया है। रुद्रपुर कोतवाली की आदर्श कॉलोनी का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उधम सिंह नगर से, जहां पर व्यापार मंडल ने थाने में धरना दिया है और एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए दरोगा को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है। दरोगा ने युवक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद व्यापार मंडल ने थाने में धरना दिया और देखिए आदर्श कॉलोनी चौकी के जो इंचार्ज है संदीप बिलखवाल, वो वर्दी के हाथ में भेड़िया है। वो बदतमीजी करते हैं लोगों से, अत्याचार करते हैं लोगों से, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, सिंघम बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ रुद्रपुर शहर के हमारे उत्तराखंड की जो पुलिस है ये मित्र पुलिस है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल एक कीमत पे नहीं चलेगी। आपने गुंडागर्दी खटीमा के अंदर बहुत करी होगी, आपने बासुर के अंदर गुंडागर्दी करी। ये रुद्रपुर शहर है, ये अमन और शांति का शहर है, ये व्यापारियों का शहर है, ये तराई का गुलदस्ता है, यहाँ सिख समाज के लोग भी रहते हैं। शाम को हमारी महिलाएं दुकानों पर जाती हैं, आप गाड़ियां सीज करते हो। शाम को बच्ची हमारी ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, आप गाड़ियां सीज करते हो, चलान करते हो, बदतमीजी करते हो। चेकिंग के दौरान जो एक इंस्पेक्टर है उन पर आरोप लगे कि उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है और असंयमित व्यवहार किया गया, तो उसका संज्ञान लेते हुए अभी फिलहाल माननीय एसएसपी महोदय के द्वारा उन्हें लाने की कार्रवाई की गई है और बाकी इस प्रकरण की हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उस युवक के द्वारा उनकी पिस्टल पे हाथ रखा गया और उसके अलावा उनको वहां से भागने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया। तो दोनों पक्षों के द्वारा इनके जो भी मामला आया है प्रकरण, तो दोनों पक्षों ने आरोप लगाए, उस पर विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के आधार पर जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता मुमताज हमारे साथ जुड़ गए। मुमताज, पूरा मामला आखिर क्या है? जी बिल्कुल, बता सकता हूँ कि ये पूरा मामला रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी चौकी के क्षेत्र का है। जब बताया जाता है कि शिक्षक समुदाय का जो युवक था वो बाइक से जो है अपने घर के लिए जा रहा था। बताया जाता है कि संदीप बिलखवाल जो है वहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और जो है उस युवक को जो है रुकने का प्रयास किया गया। तो जो आरोप सामने आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि संदीप बिलखवाल है वो कहीं ना कहीं जो है उसको जो है हेलमेट को लेकर जो है चैलेंज करने की बात कर रहे थे। तो उसके द्वारा वो तगड़ी बनते हैं ऑलरेडी और जो है इस तरह हम जो है मतलब की जो है हेलमेट नहीं लगा सकते, लेकिन जो है इसके बाद में किसी बात को लेकर के हम दोनों के साथ संदीप बिलखवाल जो है काफी अग्रेसिव होता है। उन्होंने अपना अमर जो अमानवीय चेहरा है जो है पूरा दिखाते हुए जो है उसको जो है जिस तरह से जो अपराधी होते हैं उस तरह से उनको जकड़ लिया और उसके साथ तमाम तरह की बदतमीजी वगैरह और जो है पूरा जो है बदतमीजी कर दी गई। ये कोई इनका पहला मामला नहीं है, इससे पहले चाहे वो कटीमा कोतवाली रहा हो वहां भी इनका विवादों से नाता रहा है, बादपुर का बादपुर लीजिए तो वहां भी बाबर भी लगातार आपके पास हम फिर आएंगे। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और उधम सिंह नगर से एक